solubility of lead in water is called plumbosolvency. This plumbosolvency is directly proportional to the presence of organic compound ammonium compound and nitrates. यानी इनमें से किसी की भी प्रेजेंस होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. फॉस्फेट कार्बोनेट और सल्फेट की प्रेजेंस होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. अगर हम लेड के कंपाउंड्स देखें तो सबसे कॉमन कंपाउंड है Pb3O4. पता है में? हेलो सर. हाँ जी. हाँ सर, हमें ये SnCl4 के केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद लिखना है ना. हाँ हाँ. सिंदूर, रेड लेड और मिनियम, ये नाम है इनके. पीबीओ है, इसे हम मैसिकॉट बोलते हैं. मैसिकॉट येलो कंपाउंड है. दूसरा पीबीओ है, लेथार्ज रेड कलर का कंपाउंड है. सर वो प्लम्बोसॉल्वेंसी का एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप कॉपी कर लीजिए फिर कर देंगे. प्लम्बो सॉल्वेंसी मैंने बोला है, लेड की सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है उससे हम प्लम्बो सॉल्वेंसी बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम कंपाउंड या नाइट्रेट की प्रेजेंस में बढ़ जाती है और फॉस्फेट कार्बोनेट और सल्फेट की प्रेजेंस में कम हो जाती है. सर पीबीओ का नाम क्या है? मैसिकॉट लिथार्ज.
कॉपी हो गया? नहीं सर, सर प्लम्बो सॉल्वेंसी के ऊपर कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है। कॉपी हो गया भाई? यस सर।
मैंने रिएक्शंस लिखी हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है।
हो गया? यस सर। बताओ प्रोडक्ट्स क्या बनाए पहले में? तो पीबीओ ही बनना, और तो कुछ बना नहीं सकते आप यहाँ पे। हाँ सर। पर टेम्परेचर वेरिएशन आपको कुछ तो बता रहा है, क्या डिफरेंस है? 900 सेल्सियस में गैसियस होगा। नहीं बेटा, लो टेम्परेचर पे जो बन रहा है वो मेसिकॉट है, और जो हाई टेम्परेचर पे बन रहा है वो लिथार्ज है। ये है डिफरेंस दोनों में। मतलब मेसिकॉट का कलर क्या होता है? येलो, और लिथार्ज का रेड। इस 70 पे जब आप हीट करते हो तो सिंदूर बनता है, यानी Pb3O4। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने इसे स्ट्रॉन्गली हीट कर दिया तो ये डीकम्पोज भी हो जाता है। समझा? यस सर। सर मैसिक ऑयल कौन सा कलर था? येलो, मैसिक ऑयल येलो। और सर दूसरा कौन सा कलर है? लिथार्ज रेड। ऊपर देखिए लिखा था अभी हमने। हाँ ओके सर। ठीक है, कॉपी कर लिया मैं, ऊपर करूं? शुगर ऑफ लेड का बताएंगे? सर CH3CO twice PB plus H2O। ठीक है, इसके दो मोल यूज हो जाएंगे और आपका लेड एसीटेट बन जाएगा। यस सर। बाई प्रोडक्ट क्या बना? H2O। नीचे वाली रिएक्शन में भी सेम होगा, बाई प्रोडक्ट में CO2 और H2O। ठीक है ना, स्वीट इन टेस्ट है, पॉइजनस है। आप अगर इसे हीट करते हैं तो इट गिव्स नेल पेंट रिमूवर। पता है क्या होता है नेल पेंट रिमूवर? यस सर। क्या सर? एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड होता है। कब से भैया, कब से पता चला आपको? एसीटोन होता है, ये लिखा हुआ है। डन। कॉपी हो गया, मैं हटाऊं? यस सर। नेक्स्ट है व्हाइट लेड।
ये रिएक्शन याद आ रही है, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक में भी पढ़ते हैं। करिए भाई,
हुआ रिएक्शन कंप्लीट भाई? आ रही है कि नहीं रिएक्शन आप लोगों को? देखिए इसे व्हाइट पिगमेंट बोलते हैं, पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड व्हाइट पिगमेंट। अगर आप इसे हीट करते हो तो आपको सिंदूर यानी Pb3O4 प्लस CO प्लस CO2 और हाइड्रोजन का वाटर दे देता है। करिए नोट डाउन। गाइस हो गया? यस सर। ये कार्बन फैमिली हमारा खत्म हो गया है। अब आप ये बताइए इस पे प्रैक्टिस करनी है भी आपको कुछ क्वेश्चंस की, कि डायरेक्ट हम लोग चले फिजिकल में नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें? क्यों भाई, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है कि प्रैक्टिस करनी है? गाइस कुछ बोलेंगे? सर कुछ भी चलेगा। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? चलो फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। किसी को कॉपी तो नहीं करना है ना कुछ?
नो सर। ये है हमारा न्यू चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें जो सबसे पहला पार्ट हम लोग करने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन। मैं आपको याद दिला दूं कि कंसंट्रेशन का ये पार्ट हमने ऑलरेडी किया था इक्विलिब्रियम के टाइम पर भी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशंस होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। इससे पहले एक छोटी सी चीज कि सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब अगर इसमें पूछा जाए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है तो आप क्वांटिटी वाइज आप समझ लेते हैं, जिसका लेसर अमाउंट होगा वो सॉल्यूट होगा और जिसका ज्यादा अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों ही लिक्विड फेज में होंगे। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब इसमें हमको फॉर्मूलेज लिखने हैं, आप जरा ध्यान से देखें और फॉर्मूलेज स्क्रीन पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहला है हमारा मास परसेंट। इसे हम लोग W बाय W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। W बाय W का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। क्या सर? वेट अपॉन वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये हो गया। ठीक है, जिस तरीके से हमने मास परसेंट लिया है ऐसे परसेंट बाय वॉल्यूम भी होता है। इसे हम V by V से दिखाते हैं, मतलब समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सर ये 12th का चैप्टर है। जी सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? यस सर। नेक्स्ट इनका कॉम्बिनेशन आता है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, यानी डब्ल्यू बाय वी। इसमें क्या होगा? मास या वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। करिए कॉपी।
हो गया कॉपी? यस सर। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, पता है किसी को? क्यों भाई? देखिए, इट इज डिफाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। सपोज कर लिया हमने एन ए एन बी एन सी मोल्स ऑफ ए बी सी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है हमें, तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन टोटल मोल्स। बी निकालना है तो एक्स बी हमने लिया उसे, ठीक है। इसी तरह अगर सी के लिए निकालना है तो एन सी अपॉन टोटल मोल्स। समझ आ रहा है आपको? यस सर। और उसके बाद सम ऑफ ऑल इज ऑलवेज वन, इस बात का मतलब समझे आप कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे उन सब का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ऑलवेज वन। जैसे हमने यहाँ पे तीन, हाँ सर, एक्स ए एक्स बी एक्स सी इज इक्वल टू वन, आपने उसमें वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये करिए कॉपी।
हो गया? यस सर। मोलैलिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसे जनरली स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो आपका पूरा मोल्स हो गया। अगर हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में मिल रहा है तो हमको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप यहाँ जरा नोटिस करिए, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन, यहाँ से डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है, इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें भी वही है, स्मॉल डब्ल्यू लिख देता हूं मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को, मॉलिक्यूलर वेट ये आपका सॉल्यूट का हो गया इनटू 1000 हो गया। वॉल्यूम जो है ये ml में है सॉल्यूशन का, तो आपका इसका ये फॉर्मूला बन गया।
देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसे हम डब्ल्यू बाय ई लिखते हैं, कैपिटल ई इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन 2000 अपॉन वी, यहाँ पर ये एम है। तो ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको थोड़ा याद आना चाहिए। आयुष क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ अगर ऐसे कॉपी करोगे भाई तब तो दो चार दिन में भी नहीं खत्म होगा, वापस से फर्स्ट पेज पे चलो। चलो फटाफट से कॉपी करो।
कॉपी हो गया? यस सर। मैं क्वेश्चंस देना शुरू करूं, क्योंकि जितने टर्म मुझे इंट्रोड्यूस करने थे वो तो मैंने कर दिए हैं। कोई टर्म ऐसा जो आपको नहीं समझा हो इसमें से? क्यों भाई? ठीक है, स्टार्ट करते। सर फर्स्ट वाले में कैलकुलेट द मास ऑफ के बाद क्या लिखा है? केन सुगर, केन सुगर। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर सब रीड कर दूंगा। देखिए पहले के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। मैंने चार क्वेश्चन दिए हैं, मैं रीड कर देता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ केन सुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन सुगर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट मोलैरिटी 4 ग्राम NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। फोर्थ में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाई मास ऑफ H2SO4 इज 1.09 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी।
गाइस सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स में भेजिए प्लीज।
गाइस कितने सॉल्व हुए भाई? हुए सॉल्व कि नहीं हुए? सर थर्ड वाला नहीं हो रहा है। अच्छा फर्स्ट आ गया? यस सर। फर्स्ट कैसे किया बताएंगे? यस सर बताइए। सर जो 25 है वो मास परसेंटेज हमको दिया है वो लोग ने। 25% दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको बताया है? नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको बताया है इनटू 100। ये ऐसा किया है क्या हमने? क्यों भाई? हाँ कि ना? नो सर। नीचे सॉल्यूशन आएगा ना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, समझा? यस सर। हाँ तो ये आपने गड़बड़ कर दिया है। आपने डायरेक्ट 250 लेके सॉल्व कर दिया क्या? हाँ सर। इसीलिए गड़बड़ हो गया। नहीं, एक क्वेश्चन में क्या? शायद सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था ना वहां पे, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया था शायद। मैंने लिखा दिया, सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है। ठीक है तो ये हटा दो, ये हटा दो, बराबर है अभी। हाँ ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? सॉल्वेंट निकालना है। हाँ तो सर 250 में से माइनस कर देंगे इसको। कितना आ रहा है ये? 187.5 ग्राम। भाई सबका मैच कर रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछा है आपसे? मोलारिटी। यस सर। 4 ग्राम NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। कितना आ रहा है आंसर? सर 0.5 आ रहा है। 0.5 मोलार। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी था 5.3 ग्राम। सर आपने जो लिखा है ना उसके हिसाब से आंसर 1 आ रहा है। तो तुमने 0.5 कैसे निकाला फिर? हाँ आंसर तो 1 ही आ रहा है सर। एक सेकेंड, वॉल्यूम कितना दिया था मैंने? सर वॉल्यूम 200 ml था इसीलिए। और इसका वॉल्यूम कितना दिया था सोडियम कार्बोनेट का? सर सोडियम कार्बोनेट का 100। हाँ तो इसका 100 होगा। इसका कितना आएगा? इसका 0.5 आ जाएगा। हाँ सर दोनों का 0.5 आ रहा है। 0.5 या 0.05? हाँ सर 0.05। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। हाँ सर 0.5 आ रहा है। 0.5 आ रहा है, बराबर है। आपको कौन सा नहीं आया? थर्ड नहीं आया? हाँ सर थर्ड वाला नहीं आ रहा। थर्ड वाला मालूम है? ये क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड, आपको कुछ वैल्यूज नहीं दिए तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करें। देखिए थर्ड के केस में एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि वाटर अकेला एक केस है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। पता है कि नहीं पता आपको? यस सर। ये कहते हैं कि 1000 ml है आपके पास इज इक्वल टू 1000 ग्राम है आपके पास। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको? हाँ सर। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वेट। वेट कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। एक लीटर में निकालते हैं ना मोलैरिटी आप? यस सर। मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब 1000 ml। मॉलिक्यूलर वेट जरा बोलिए आप कितना होता है वाटर का? 18। जरा सॉल्व कर दीजिए। 55.5 आ गया। सही है?
हाँ सर और इसको जो है ना ये क्वेश्चन को आप याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, समझे? यस सर। नेक्स्ट पर आ जाओ जरा। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? डेंसिटी आपसे। हाँ सर, डेंसिटी ऑफ 13% सॉल्यूशन 13% सल्फ्यूरिक एसिड था और 1.09 ग्राम पर एमएल डेंसिटी है। कैसे सॉल्व किया इसको सर पहले 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी निकाला और फिर किया। देखो 13 ग्राम ऑफ H2SO4 13% बाय मास है ना। हाँ सर 13% है सॉल्यूशन, 13 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 यस सर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन राइट, ये हमको पता चल गया है। अब हमारा मोलारिटी हमको निकालनी है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमको पता है 13 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 98 ग्राम है इनटू 1000, हमें आप क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी बोल सकते हैं हम। हाँ सर मास हमारे पास आ गया 100 100 अपॉन 1.09 1.09 यहाँ रख दे इसको उठा के, तो यस सर क्या 1. सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने ना, 100 नीचे आ जाएगा और 1.09 ऊपर चला जाएगा है ना। हाँ सर ये हो गया बराबर है, कितना आ गया सर 1.44 पक्का? यस सर। ये तो मोलैरिटी आ गई, अब नॉर्मेलिटी क्या आएगी सर, इसका n टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड मोल्स नहीं बेटा बेसिसिटी। हाँ सर बेसिसिटी n फैक्टर, सॉरी n फैक्टर या बेसिसिटी ठीक है। यस सर। कर रहा है आंसर? हाँ सर ठीक है चलो और आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको मोलैलिटी का क्वेश्चन मैंने दिया है, डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.017 ग्राम पर एमएल, कैलकुलेट मोलैलिटी करिए। सर मोलैलिटी ढूंढना है ना? हाँ मोलैलिटी ढूंढना है, मोलैरिटी गिवन है।
क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर, कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं। सर हो गया, बताएंगे कैसे किए? बोलिए सर। पहले मास ऑफ वन लीटर सॉल्यूशन ढूंढा डेंसिटी से, और सर फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ढूंढा मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास करके। देखिए मैंने भी वही किया, मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन से हमें पता चल जाता है कि 2.03 मोल्स हैं एसिटिक एसिड के एक लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। हमने क्या किया, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई किया तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। वेट ऑफ हमारे पास तो डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो 1017 आ गया, तो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा यहाँ से। यस सर, 1017 माइनस 121.8 करेंगे तो मिल जाएगा। कितना आ रहा है सर? 895.2 895.2 ग्राम सर। फिर उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो मोल्स हमें पता है 2.03, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया ग्राम में 895.2, और ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में रख के, ठीक है ना। कितना आ रहा है सर? 2.26 आ रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। तो आपको मॉड्यूल के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं कंसंट्रेशन के, समझ में आ रहा है? इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ गैस, ओके गाइस? यस सर। सर ये चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। ओके सर। तो इसका पहला चैप्टर है ना बेटा? दूसरा, पहला आयनिक इक्विलिब्रियम था। ओके ओके सर, बाय 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 सर।